हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास टेंथ के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और फर्स्ट का ए यूनिट जो है पोषण, वो आपको बताया जा रहा है। और इसमें हम लोग पिछले वीडियोज़ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे, इससे रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सबको हम लोग देखे थे। और आज के क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। और देखिए, ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ को देखे होंगे। तो अगर आप देख लिए हैं तो आपको ये अच्छा से समझ में आने वाला है, और अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ का जो इस चैप्टर से रिलेटेड बनाया गया है उसका लिंक जो है दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोषण क्या है और इसकी आवश्यकता के दो कारणों को लिखें। तो सबसे पहली क्लास में हम इसको समझाए थे दैट पोषण क्या होता है। उसमें हम आपको बताए थे कि भोजन ग्रहण करके और फिर अपने शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम पोषण कहते हैं, और इसकी आवश्यकता दो कारणों से होती है। सबसे पहली चीज़ कि हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को संपादित करने के लिए मतलब लगातार एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी की आपूर्ति भोजन के द्वारा ही हमें होता है, पोषण के द्वारा ही होता है। और दूसरी चीज़ कि हमारे शरीर में जो टूटे फूटे ऊतक हैं उनके मरम्मत के लिए भी पोषण किया जाना आवश्यक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषण तथा परपोषण क्या है। ये भी हम आपको बताए थे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण खुद से करते हैं उसको स्वपोषण कहते हैं, और सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, जबकि पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन का संश्लेषण खुद से नहीं कर पाते हैं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसे हम परपोषण कहते हैं। और जैसे मनुष्य या सभी जीव जंतु हरे पेड़ पौधे को छोड़कर सभी परपोषी होते हैं। तो देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चंस है सब आपको पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है, तो आप वीडियोस देखें और वहां से आप उस इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तैयार करने की कोशिश करें। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण लिखें। तो ये भी हम आपको बता दिए हैं, बताए थे कि हरे पौधे जो हैं जड़ से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके और अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और फिर इसका समीकरण भी बताए थे, तो आपको ये चीज लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण अर्थात स्वपोषण के लिए आवश्यक तत्वों को लिखे, कौन कौन तत्व आवश्यक है। तो बताए थे इसके लिए चार तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। सबसे पहले सूर्य की प्रकाश, फिर क्लोरोफिल, फिर जल, और उसके बाद किस चीज की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यानी पांच नंबर क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में ही कि सबसे पहले जब भोजन जो है हमारे मतलब पित्ताशय में यकृत में पहुंचता है, लीवर में, तो यकृत में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पित्ताशय। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, और पित्त रस क्या करता है, भोजन का जो वसीय भाग होता है वसा, उसका पायसीकरण कर देता है, उसका सरलीकरण कर देता है, और फिर ये जो पायसीकृत वसा होता है ये अग्न्याशय में जब पहुँचता है तो अग्न्याशय से निकलने वाला लाइपेज नामक एंजाइम उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, और इस प्रकार वसा का पाचन अग्न्याशय में हो जाता है। ऐसा हम पहले ही बता चुके हैं, तो आपको इसका आंसर इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छः नंबर, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं दैट हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हम आपको समझाए थे अच्छा से, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसके चलते जब अमाशय में भोजन पहुंचता है तो भोजन को अम्लीय बना देता है, और यहाँ भोजन अम्लीय माध्यम में पचने में आसानी होता है। साथ ही साथ भोजन के साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीव आए रहते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, और वो उस अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसके चलते हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। तो हम आपको फिगर के साथ समझाए थे कि पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। ये एक कोशिकीय जीव है जिसके चारों ओर धागे की समान स्पर्शक रचनाएं पाई जाती है, जिसको हम सीलिया कहते हैं। उसी के माध्यम से भोजन को ऑब्जर्व करते हैं और एक ही सेल के माध्यम से किस प्रकार संपूर्ण पोषण की क्रिया कर लेते हैं, ये आपको हम पहले समझा चुके हैं। तो आपका आप उसका आंसर इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। ये था हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा कि स्वपोषण में किन किन तत्वों का होना आवश्यक है तथा उन तत्वों का प्रकाश संश्लेषण में क्या कार्य होता है। तो हम अभी बताया ना चार तत्वों की आवश्यकता होती है और इस चारों तत्वों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यकता है, ये हम चारों तत्वों को डील करके बताए थे पिछले वीडियोज में। तो आप वहां से पिछले वीडियोज को देखकर या पहले से देखें तो उसका आंसर इस सही ढंग से लिखने की कोशिश करें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आपको इसलिए केवल हम क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि आप पिछले वीडियोज को देख चुके हैं और नहीं देखे हैं तो देख कर और इन सारे क्वेश्चन को बढ़िया से प्रिपेयर करें। ये आपकी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन करें। तो हम बताए थे परपोषण तीन प्रकार का होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो इन तीनों को अच्छा से डील कर लेना आपको और इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है अमीबा में पोषण की क्रिया को सचित्र समझावें। तो अमीबा में और पैरामीशियम में दो आपको एक वीडियो में हम समझाए थे एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में हम चार फिगर बना के स्टेप वाइज उसमें समझाए थे पोषण की क्रिया को। तो आप उसका आंसर उस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावें, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाए थे जिसमें मनुष्य के पाचन तंत्र का फिगर बनाना सिखाए थे कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं, स्टेप वाइज बताए थे, तथा सारे जो ऑर्गेन्स हैं सारे अंग पाचन तंत्र के उसका नामकरण भी किए थे। तो आप उसका फिगर जो है ड्रॉ कर लेंगे। और अभी बताएं कि अगर आप वीडियो पहले का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन करें, यानी मनुष्य में पाचन भोजन का पाचन कैसे होता है उसका संपूर्ण वर्णन आपको करना है। तो हम आपको बताए थे मनुष्य में भोजन का डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम आपको समझाए थे कि भोजन का पांच भाग होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसमें विटामिन और खनिज लवण की पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये कोशिका द्वारा ऐसे ही ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बल्कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है इसके पाचन की आवश्यकता होती है और ये किस रूप में पाचित होता है, किन किन अंगों के माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है, कौन कौन से एंजाइम्स इसको विघटित करते हैं, किस प्रकार कोशिकाएं से ऑब्जर्व करते हैं, इन सारे चीज़ों को इसके आंसर में लिखना होगा। और ये सारा चीज़ हम मात्र एक वीडियो में आपको समझाए हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप प्रिपेयर कर लेंगे। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है स्पेशली जो थोड़ा सा एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हो सकता है कि मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन हम छांटे हैं जो शायद अगर हम नहीं बताए हों आपको वीडियोज में तो उसका आंसर हम अभी समझाने वाले भी हैं। तो देखिए एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें, यानी इस दोनों में क्या अंतर है स्वपोषण में और विषम पोषी पोषण में। तो आपको हम बता देते हैं दैट स्वपोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। आप ऐसे कॉलम ड्रॉ करेंगे और एक तरफ लिखेंगे स्वपोषण और फिर दूसरे तरफ लिखेंगे विषम पोषी पोषण, ठीक है। और इस दोनों में डिफरेंस लिखने की जब बात आई है तो सबसे पहला डिफरेंस आप ये लिखेंगे कि स्वपोषण जो है सभी हरे पौधों के द्वारा स्वपोषण की क्रिया करी जाती है, यानी जितने भी हरे पौधे हैं ये सभी हरे पौधे स्वपोषण की प्रक्रिया करते हैं। जबकि हरे पौधे के अतिरिक्त यानी अगर हम हरे पौधों को छोड़ दें तो हरे पौधों के अतिरिक्त और जितने भी मतलब जीव हैं, हरे पौधों के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं इन सारे जीवों में विषम पोषी पोषण पाया जाता है। तो एक डिफरेंस हो गया
और दो डिफरेंस हम बताते हैं। और दो डिफरेंस क्या है, तो देखिए स्वपोषण में कार्बन डाइऑक्साइड का होना, स्वपोषण में जल का होना, स्वपोषण में क्लोरोफिल का होना और साथ ही साथ स्वपोषण में सूर्य के प्रकाश का होना अनिवार्य है। यानी इस चारों तत्वों की अनिवार्यता जो है स्वपोषण में होती है, यानी किसी भी तरह यह पाया जाना चाहिए या उपस्थित होना चाहिए तभी स्वपोषण संभव है। लेकिन विषमपोषी पोषण के लिए इन चारों पदार्थ की अनिवार्यता नहीं होती है। यानी जरूरी नहीं है कि ये चारों पदार्थ पाया जाएगा तभी भोजन तैयार होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये चारों पदार्थ अनिवार्य नहीं है विषमपोषी पोषण में, ठीक है। एक लास्ट अंतर और जान लीजिए, और ये क्या है, तो देखिए स्वपोषण में भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें भोजन को पचाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भोजन ऑलरेडी पाचित हो जाता है, ऐसे ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है प्लांट्स के सेल के द्वारा। लेकिन विषमपोषी पोषण में भोजन के पाचन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर में लिख लेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहला डिफरेंस, स्वपोषण सभी हरे पौधों में पाया जाता है, बल्कि विषमपोषी पोषण हरे पौधों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में पाया जाता है। स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की अनिवार्यता है, यानी यह अनिवार्य रूप से चाहिए, जबकि विषमपोषी पोषण के लिए यह चारों पदार्थ अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वपोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि विषमपोषी पोषण में भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। तो आप इसका आंसर इस तरह टेबल बनाकर, एक बॉक्स बनाकर और तब लिखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का देखते हैं। तो इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आप सबको पता है कि, चलिए इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को चार पदार्थों की आवश्यकता होती है, चार कच्ची सामग्रियां चाहिए। एक नंबर क्या है, सूर्य का प्रकाश, तो ये सूर्य से मिल जाएगा। दो नंबर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वायुमंडल से मिल जाता है। तीन नंबर क्या है, जल, तो ये मिट्टी से मिल जाता है। चार नंबर क्या है, क्लोरोफिल, और ये पेड़ पौधों की पत्तियों में ही उपस्थित होता है। तो इस प्रकार ये चार पदार्थ आवश्यक है और चारों अलग अलग स्रोत से प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हम थोड़े देर पहले ही आपको समझाए दैट अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन जब हमारे अमाशय में पहुंचता है, तो आपको बता दें कि इस अमाशय में यानी स्टोमेक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और भोजन जब इसमें आता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ मिल जाता है, और भोजन के साथ मिलने पर ये जो भोजन है ये अम्लीय बन जाता है, और फिर अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होने लगता है। साथ ही साथ बहुत से सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं वो भी भोजन के साथ हमारे शरीर में अमाशय तक पहुंच गए होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के इफेक्ट से, प्रभाव से ये नष्ट हो जाते हैं और हम उन सूक्ष्म जीवों से बच जाते हैं जो बीमारी उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दैट हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित दो भूमिका है। पहली चीज कि मतलब अमाशय से निकलने वाले जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके चलते अमाशय से निकलने वाले अमाशय से निकलने वाले एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, भोजन का पाचन यहाँ अम्लीय माध्यम से करते हैं, जिससे भोजन आसानी से पाचित होता है। और दूसरी चीज कि मतलब भोजन के साथ बाहर से आए हुए जो सूक्ष्म जीव बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगाणु है वो अमाशय तक पहुंच गए होते हैं, जो यहाँ अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो देखिए हम बात करेंगे पाचक एंजाइम के कार्य का। तो सबसे पहली चीज कि पाचक एंजाइम जो है एक उत्प्रेरक पदार्थ होता है, ठीक है, ये एक उत्प्रेरक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, और ये मतलब हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरण की क्रिया के माध्यम से, उत्प्रेरित करके उत्प्रेरण की क्रिया के माध्यम से ये एंजाइम्स जो है ये भोजन के
जटिल अवयवों को, भोजन का जो कम्प्लेक्स क्या कहते हैं फैक्टर्स होता है, भोजन के जो जटिल अवयव होते हैं, इन जटिल अवयवों को सबसे पहले सरल करते हैं, यानी इसको विघटित करके छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब बांट देते हैं, जिससे ये जटिल अवयव जो है सरल अवयव में चेंज हो जाता है। और जब वह सरल अवयव बन जाता है और इतना अधिक उसको सरलीकृत एंजाइम के द्वारा किया जाता है जिससे वह घुलनशील हो जाता है, और जब वह घुलनशील अवस्था में आ जाता है तो फिर हमारे शरीर की सेल्स उसे ऑब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, और फिर भोजन जो है अपने आप पच जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें कि ये इसके आंसर को लिखेंगे कैसे, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए दैट एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं जिससे वो घुलनशील हो जाते हैं, और घुलनशील होने के बाद शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है और इस प्रकार भोजन पच जाता है। आई समझ में? अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए क्या है, कह रहा है पचे हुए भोजन का क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत में कैसे अवशोषण होता है। दैट मीन्स भोजन जो पच गया होता है उस पचे हुए भोजन को छोटी आंत कैसे अवशोषित करता है। तो देखिए छोटी आंत जो है जिसको हम क्षुद्रांत्र के नाम से जानते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो देखिए यहाँ होता क्या है कि इसके आंतरिक भित्ति पर, यानी इसके अंदर जो वॉल है, भित्ति है, इसके आंतरिक भित्ति पर असंख्य मात्रा में यानी बहुत अधिक संख्या में रसांकुर उपलब्ध होते हैं, मतलब रसांकुर जो है पाए जाते हैं, और इस रसांकुर पर जो है दो प्रकार की वाहिकाएं आपको मिलेगा। एक होता है रक्त वाहिकाएं जिसको हम मतलब ब्लड जिसको हम कहते हैं, और फिर दूसरा होता है लिम्फ वाहिकाएं। तो आप ध्यान देंगे रियल मायने में जब भोजन पच जाता है तो हमें पता है कि भोजन में 5 पार्ट्स होता है। सबसे पहले कौन पार्ट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो इसमें हम आपको बता चुके हैं कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण हो जाता है और अतिरिक्त जल जो बचता है उसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में। तो छोटी आंत में ये जो रक्त वाहिकाएं और लिम्फ वाहिकाएं हैं, इसमें रक्त वाहिकाएं क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट फिर प्रोटीन और विटामिन तथा खनिज लवण का, विटामिन तथा खनिज लवण ये 4 पदार्थों का जो है अवशोषण कौन कर लेता है? रक्त वाहिकाएं। ठीक है, रक्त वाहिकाएं इसको सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, जबकि लिम्फ वाहिकाएं जो है यह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होता है, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल जो वसा जो है भोजन का वसीय भाग जो है वह पचने के बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, तो फिर इसको जो है लिम्फ वाहिकाओं के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और शोषित कर लिया जाता है, और इस प्रकार भोजन का संपूर्ण पाचित भाग को छोटी आंत में ही अवशोषण उसका हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़ कि छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं, इनमें रक्त वाहिकाओं और लिम्फ वाहिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है, और देखिए विसरण की क्रिया के माध्यम से क्या होता है कि प्रोटीन फिर जो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज लवण और विटामिन का अवशोषण रक्त वाहिकाओं के द्वारा, तथा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होता है उसका अवशोषण लिम्फ वाहिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है, और इस प्रकार संपूर्ण भोजन छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। तो देखिए एनसीईआरटी के ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। तो पोषण जो है न्यूट्रिशन, इसके जो महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का बी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, और ये है श्वसन यानी रीएस्पायरेशन। इसमें हम लोग श्वसन की प्रक्रिया को समझेंगे।